नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्डूगर पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं LTPS डिस्प्लेज के बारे में। अब ये जो डिस्प्लेज होती हैं, ये हमारी LCD डिस्प्लेज हैं और ये हमें जो हमारे बजट स्मार्टफोन होते हैं उनमें देखने को मिल जाती हैं। तो अब ये जो डिस्प्लेज हैं, ये हमारी किस तरह से जो हमारी ट्रेडिशनल LCD डिस्प्लेज होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, आज के इस वीडियो में आपसे इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन डिस्प्लेज की, तो हमें स्मार्टफोन में दो तरह की डिस्प्लेज देखने को मिलती हैं। पहली होती है हमारी AMOLED डिस्प्ले और दूसरी होती है हमारी LTPS डिस्प्ले। अब अगर बात करूँ मैं AMOLED डिस्प्लेज की, तो ये हमारी एक अलग टेक्नोलॉजी है। इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको ऊपर कार्ड्स में दिख रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। पर अगर आज मैं बात करूँ LTPS डिस्प्लेज की, तो इनका पूरा नाम होता है लो टेम्परेचर पॉली सिलिकॉन डिस्प्ले। अब दोस्तों, इनको समझने के लिए हमें पहले LCD डिस्प्लेज को समझना पड़ेगा। तो अगर बात करूँ ट्रेडिशनल जो हमारी LCD डिस्प्लेज होती थी इनकी, तो उनमें दोस्तों होता क्या था कि जैसे आपको पता ही है कि कोई भी LCD डिस्प्ले है उसमें हम लिक्विड क्रिस्टल्स को काम में लेते थे। तो जो हमारी ट्रेडिशनल LCD डिस्प्लेज होती थी उनमें हम एमोर्फस सिलिकॉन के जो क्रिस्टल्स होते थे उनको काम में लेते थे, जिसकी वजह से वो जो डिस्प्लेज होती थी उनका जो रेजोल्यूशन है वो कम होता था और उनके जो व्यूइंग एंगल होते थे वो भी खराब होते थे, कलर भी इतना अच्छा नहीं होता था और वो जो डिस्प्लेज होती थी वो काफ़ी मोटी मोटी होती थी। अब उसके बाद अगर बात करूँ मैं LTPS डिस्प्लेज की, तो दोस्तों इन डिस्प्लेज में क्या होता है कि जो हम क्रिस्टल्स को काम में लेते हैं वो हमारे एमोर्फस सिलिकॉन नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे पॉली सिलिकॉन क्रिस्टल। अब जो हमारे पॉली सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं, इनका जो खास बात है वो क्या है कि इनका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्प्लेज होती हैं LTPS डिस्प्ले, इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन्स में देख ही सकते हो, हमें फुल HD या क्वाड HD या फिर HD प्लस की डिस्प्लेज देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन डिस्प्लेज में जो हमें रिफ्रेश रेट है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो जो हमारे क्रिस्टल्स हैं इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो रही है। डिस्प्ले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअल में उनकी मूवमेंट फास्ट होती है, तो उसकी वजह से जो हमें रिफ्रेश रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन डिस्प्लेज में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इन डिस्प्लेज का जो हमारा पावर कंजप्शन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये जो डिस्प्लेज होती हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल LCD डिस्प्लेज के कंपैरिजन में जो हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलती हैं, ये काफ़ी अच्छी डिस्प्लेज होती हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरी। और उसके अलावा अगर बात करूँ कलर एक्यूरेसी की, उसके अलावा अगर बात करूँ मैं रेजोल्यूशन की या रिफ्रेश रेट की, तो इन सभी मामले में जो हमारी LTPS डिस्प्ले हैं ये ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए ये हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, उसके अलावा इन डिस्प्लेज की एक खास बात और होती है कि इन डिस्प्लेज की वजह से जो हमें स्मार्टफोन्स में कंपोनेंट है वो हमें 40% कम कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं वो भी हमारे 95% तक रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो भी कम लगते हैं, जो हमारे कनेक्शंस होते हैं स्मार्टफोन के बीच वो भी हमारे कम हो जाते हैं इन LTPS डिस्प्लेज की वजह से। तो इसलिए जो स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर होते हैं ये इन्हीं डिस्प्लेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनका एक ही डिसएडवांटेज है कि इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बनने में, पर उसके अलावा जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमें कलर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, हमें हाई रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, हमें हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारा पावर कंजप्शन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जो ये डिस्प्लेज होती हैं LTPS, ये हमें हमारे स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, यही था इन LTPS डिस्प्ले को लेके जो कि मैं आपको बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल टेक्डूगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल किसी वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।